मम्मी तो आज मुझे और मेरे फ्रेंड्स को कौन सी अधिक मास की स्टोरी सुनाने वाली है? तुझे पता है अधिक मास को और कौन से नाम से जाना जाता जाए? पुरुषोत्तम मास। यस, जब हम पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं ना, तो हमको उसके अलग अलग फल मिलते हैं, ठीक है? तो आज उसमें से हमारी जो स्टोरी है उसका नाम है जपीबाई और तपीबाई। तो बेटा, जपीबाई और तपीबाई ये दोनों नेबर्स थे। नेबर्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पड़ोसन, ठीक है? तो ये दोनों पड़ोसन थे। तो इन दोनों ने पुरुषोत्तम मास का व्रत रखा था। ये दोनों नदी पे स्नान करने गए। स्नान करना मतलब नहाना, नहाने जाना। यस, तो जपीबाई ने नहाते नहाते कौन सा जाप किया? जय नरपति राय। और तपीबाई ने क्या बोला? जय पुरुषोत्तम राय। जय पुरुषोत्तम राय। हाँ, तो नरपति जो है ना, वो वहां के राजा का नाम था। राजा ने सोचा कि वाह, जपीबाई तो मुझे कितना मानती है, मेरे नाम का जाप कर रही है। इसे राजा ने जपीबाई को अगले दिन अपने महल में बुलाया और बुला के उसको 5 सोना मोहर दी। सोना मोहर मतलब गोल्ड के, ऐसे बिस्किट जैसे आते हैं ना गोल्ड के, वो दिए 5। और इसके साथ इतना बड़ा सा पंपकिन दिया। पंपकिन ने गुजराती में कहवाए कोड़ू। सो कहवाए कोड़ू। तो कोड़ू और उसके साथ में 5 सोना मोहर दिया। तो फिर जपीबाई ने सोचा, वाह, मैंने तो राजा के नाम का जाप किया तो मुझे तो इतना सारा इनाम मिला। और वो तपीबाई तो पुरुषोत्तम राय करती रहती है, बेचारी को कुछ नहीं मिला। ऐसा सोच के वो जा रही थी। फिर रास्ते में आई काछिए की हटड़ी। अभी काछिए की हटड़ी क्या होता है, तुझे पता है? काछिया मतलब जो वेजिटेबल वेंडर को हम गुजराती में बोलते हैं काछिया, ओके? और दुकान को हम गुजराती में बोलते हैं हटड़ी। ऐसे तो हाट बोलते हैं और उसको हटड़ी भी बोलते हैं, ठीक है? तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम शॉप। तो जो काछिया की दुकान आई यानी कि हटड़ी आई, वहां पे जाके जपीबाई ने बोला कि भाई मैं तो ये पंपकिन का क्या करूंगी, ये कोड़ू का क्या करूंगी, तो ये जो कोड़ू है इसको आप ले लो और मुझे 1 रुपये दे दो। तो काछिया ने बोला ठीक है। काछिया ने उनको 1 रुपये दे दिया। जपीबाई तो खुश होते होते जा रही थी। रास्ते में उसने तपीबाई को देखा। तपीबाई को देख के वो बोलती है कि ये देख, मुझे तो राजा ने इतना सारा इनाम दिया और तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, है? तो उसके बाद तपीबाई ने बोला उसमें क्या हुआ? फिर जपीबाई ने बोला वैसे तो जा कहाँ रही है? तपीबाई बोलती है मैं तो सब्जी लेने जा रही हूँ। बोलती है ठीक है। फिर तपीबाई तो सब्जी लेने गई काछिए की दुकान पे। फिर वो काछिए को बोलती है कि ये पंपकिन यानी कि ये जो कोड़ू है ये क्या भाव है? तो काछिए ने बोला कि ये जो कोड़ू है ना, ये मैंने 1 रुपये में जपीबाई से लिया है, मैं आपको 1.25 रुपये में दूंगा। 1.25 रुपये मतलब 1 रुपये और 25 पैसा, ठीक है? 25 पैसा पहले के ज़माने में 25 पैसे अगर तू लेके जाएगा ना, तुझे उसमें से 1 चॉकलेट मिल जाती थी, ठीक है? तो तू अगर 1 रुपये का सिक्का लेके जाएगा तो तुझे 4 चॉकलेट मिलेगी। अभी के टाइम पे जब तू छोटी कैंडी लेने जाता है, छोटी चॉकलेट, तो तुझे कितने रुपये में मिलती है? 1 रुपये की 1 मिलती है। लेकिन हम लोग जब छोटे थे तो 1 रुपये की 4 मिलती थी और 25 पैसे की 1 मिलती थी। तो यहाँ पे काछी ने क्या किया, 25 पैसे का प्रॉफिट कमा लिया। उसने बोला कि मैंने 1 रुपये में लिया है, मैं आपको 1.25 रुपये में दे देता हूँ। तो तपीबाई ने बोला ठीक है। फिर वो तो वो पंपकिन लेके चली गई अपने घर। फिर जब उसने पंपकिन को काटा तो उसमें से गोल्ड निकला, डायमंड निकला, ठीक है? तो गोल्ड को बोलते हैं सोना, डायमंड को बोलते हैं हीरा। तो उसमें से इतना सब कुछ निकला। उसके बाद उसने क्या किया, जब पुरुषोत्तम मास खत्म हुआ ना, तो लास्ट डे पे उसने, तपीबाई ने सारे जो ब्राह्मण हैं नगर के उनको खाने पे बुलाया और सबको खाना खिलाया। ब्राह्मण तो इतने खुश हो गए कि वाह, तपीबाई ने कितना अच्छा खाना खिलाया। तो उसके बाद राजा को जब ये बात मालूम पड़ी तो राजा ने सोचा तपीबाई तो रंक है। अब रंक का क्या मतलब होता है बेटा? गरीब। हाँ, तो वो तो रंक है, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? इसलिए राजा ने तपीबाई को बुलाया। फिर तपीबाई ने बोला कि मैंने तो ये जो काछिए के पास से ये जो खरीदा था ना पंपकिन,
उसमें से इतना सारा गोल्ड और डायमंड निकला तो मैंने उसको बेच के ब्राह्मीन को खाना खिला दिया। तो फिर राजा ने बोला कि तो फिर वो जब वो काछिए का था, वो वेजिटेबल वेंडर का वो था, तो तूने उनको वापस क्यों नहीं किया, क्यों उनके अपने पास रखा। तो तपी बाई ने बोला मैं तो वापस करने गई थी, बट काछिए ने बोला कि ये तो आपके नसीब का है, तो ये आप लेके जाओ। फिर राजा ने काछिए को बुलाया, तो काछिए ने बोला कि हाँ मुझे जपी बाई ने दिया था तो मैंने तपी बाई को दे दिया, तो ये मेरे नसीब का नहीं था तो मैं कैसे रख सकता था। फिर राजा ने जपी बाई को बुलाया, जपी बाई बोलती है कि राजा जी मैंने तो ऐसा सोचा कि इस पम्पकिन का मैं क्या करूँगी, ये मेरे क्या काम का, इसलिए मैंने इसको ये दुकान वाले को बेच दिया था। तो फिर राजा ने बोला कि अरे मूर्ख, मैंने तुझे उसके अंदर इतना सारा सोना और ये डायमंड ये सब भर के दिया था क्योंकि तूने मेरे नाम का पूरा महीने जाप किया था, लेकिन ये सारा तो किसके नसीब में चला गया, जपी बाई के नसीब में चला गया। तो बेटा जब जपी बाई ने एक इंसान का नाम लिया था तो उसको छोटा सा इनाम मिला, बट तपी बाई ने पूरा महीना दिल से भगवान को याद किया था, पुरुषोत्तम भगवान को याद किया था, तो उनको इतना सारा इनाम मिला। ठीक है, तो इससे हमको क्या सीख मिलती है कि हमेशा इंसान से बड़ा भगवान होता है, क्योंकि भगवान ने ही इंसान को बनाया है। तो आज की स्टोरी आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। ठीक है, तो अगली स्टोरी के लिए हम मिलेंगे कल। बाय बाय। बाय बाय। नमस्ते नमस्ते।